Hello everyone, this is Ajay Shah, and today we are going to start a very important topic of polity, that is preamble of Indian Constitution. अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की सरकार और राजस्थान की सरकार ने प्रीएम्बल को स्कूल्स में मैंडेटरी किया है, एंड सो यू कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन प्रीएम्बल इन प्रीलिम्स 2020 इन द पॉलिटी टॉपिक. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर ऑफ प्रीएम्बल. सो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीएम्बल बेसिकली है क्या. सो प्रीएम्बल को हम कह सकते हैं प्रीएम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड, प्रीफेस, समरी, एसेंस, क्रक्स, स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल बेसिकली वो चीज़ है जिसको देख करके हम पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है कैसा. फॉर एग्जांपल गांधी जी की किताब है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसको देख करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर में गांधी जी ने बेसिकली लिखा क्या. बी आर अम्बेडकर की किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको देख कर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पूरे बुक में बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह कास्ट का जिक्र किया होगा. सो द क्रक्स इज दैट प्रीएम्बल एक ऐसी चीज़ है जिसको देख करके हम पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस और उसका जो क्रक्स है वो हम जान सकते हैं. सो अमेरिका वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच बेसिकली गेव स्पेस टू प्रीएम्बल एंड इंडिया फॉलोड द सूट. एंड दिस प्रीएम्बल इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाई पंडित नेहरू. नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, और उस रिजोल्यूशन में बेसिकली ये चीज़ें थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पैरामीटर्स पे तैयार होगा, उसके क्राइटेरिया क्या होंगे, उसके बाउंड्री लाइन क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. सो उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बाद ही हमारा जो है प्रीएम्बल वो बनाया गया. सो यहाँ पर एक बात ये नोटिस करने लायक ये है कि जो प्रीएम्बल है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद ऐड किया गया, ताकि प्रीएम्बल के जो टेक्स्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट के साथ पूरी तरह से मैच करें. अभी तक हमारे प्रीएम्बल को केवल और केवल एक बार अमेंडमेंट में लाया गया है, एंड दैट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 विच एडेड 3 वर्ड्स इन द प्रीएम्बल, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ दिस प्रीएम्बल. सो लेट अस फर्स्ट रीड दिस प्रीएम्बल. व्हाट एग्जैक्टली इज प्रीएम्बल? सो आई एम जस्ट रीडिंग दिस प्रीएम्बल एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस प्रीएम्बल वन बाय वन. सो द प्रीएम्बल सेज, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So, अब हम देखते हैं एक एक करके कि ये जो प्रीएम्बल है इसका पूरा का पूरा मतलब क्या है. सो प्रीएम्बल में बेसिकली चार कॉम्पोनेंट्स है. द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी. इसका मतलब ये हमारा जो ये प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली आया कहाँ से. सो प्रीएम्बल सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन is by the people of India, and so it starts with we the people. So this provision, we the people, was challenged in Supreme Court in Kehar Singh versus Union of India, and in that case Supreme Court has categorically said that constitution emanates from the people of India is a legal fiction and a conclusive assumption which cannot be tested or questioned in any court of law. यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से साफ किया है कि भले कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे, बट ये पूरी तरह से समझाया जाएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों से बनाया गया है, एंड इट हैज़ नॉट फॉलन फ्रॉम द स्काई, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिन मेड बाई द पीपल ऑफ इंडिया, एंड दैट इज वाई इट स्टार्ट विद वी द पीपल ऑफ इंडिया. नाउ सेकेंड कॉम्पोनेंट इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. इंडियन स्टेट कैसा है, उसका नेचर कैसा, ये हमारा प्रीएम्बल दिखाता है. एंड द प्रीएम्बल सेज दैट द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज सॉवरिंग, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. इसका मतलब हम कुछ टाइम बाद देखेंगे. उसके बाद थर्ड कॉम्पोनेंट है ऑब्जेक्टिव का. An objective of Indian Constitution is justice, liberty, equality and fraternity. इसको भी आगे हम देखेंगे. उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में, वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था. ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अडॉप्ट किया गया था, बट जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो है 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं. सो ये आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है कि हमारे प्रीएम्बल में बेसिकली चार कॉम्पोनेंट है, सोर्स, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेट ऑफ अडॉप्शन. नाउ लेट अस स्कैन वन बाय वन
all the words which are given in the Indian Constitution. So the first word is sovereign. So sovereign ka matlab bilkul saaf hai, sovereign matlab complete independent. That means India is a complete independent nation, and India has the right, Indian Parliament has the right to manage its own affair, that is internal affair or external affair. And that is why we haal filhaal mein European Parliament ne CA ke against a resolution pass kiya hai, jisme hamare Indian leaders ne kaha hai that European Union has no right to interfere in the internal matter of India, and this is our internal matter because India is a sovereign nation. Now sovereign nation ki jab hum baat karte hain to isme do words aate hain, ek hota hai dependency aur ek hota hai dominion. Dependency ka matlab hota hai puri tarah se gulam hona, slave hona, yani ki hum samajh sakte hain colony hona. Aur dominion ka matlab aisa hota hai ki country independent hai bas, but wo kisi na kisi ek bade organization ka member bana hua hai. So up to 15th August 1947 India was basically a dependency. इस वर्ड को आप ध्यान से देखिए, 1947 तक इंडिया डिपेंडेंसी था, यानी कि वो कॉलोनी था, इट वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश. बट फ्रॉम 15th August 1947 टू 26th January 1950 इंडिया बिकेम डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन. एंड फ्रॉम 26th January 1950 onwards India became Republic of India. So basically the political status of India up to 1947 was that of dependency, and from 47 to 26 January 1950 India was basically a dominion of British Commonwealth of Nations. Yahan par ek baar samajhne layak hai, dominion ka matlab ye nahi ki India dependent tha British mein. Dominion ka matlab sirf ye tha कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट था, यानी इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं इंडिपेंडेंट डोमिनियन. सो इसका मतलब बिल्कुल साफ, इंडिया इज अ सॉवरिंग नेशन एंड इंडियन पार्लियामेंट इज अ कंप्लीट पावर टू मैनेज इट्स ओन अफेयर बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली. नाउ द सेकेंड वर्ड इज सोशलिस्ट. सो सोशलिस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसको अगेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था. नौ कई लोग ये पूछते हैं कि इंडिया पहले सोशलिस्ट था या नहीं था क्योंकि इसको अमेंडमेंट में डाला गया है. सो ये बात पूरी तरह से आपको समझ में आना चाहिए दैट सोशलिस्ट वर्ड को डालने के बाद में सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि जो चीज़ इम्प्लिसिट थी वो पूरी तरह से एक्सप्लिसिट हो गई. यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि 1976 के पहले इंडिया सोशलिस्ट नहीं था, 1976 के पहले भी इंडिया सोशलिस्ट था, लेकिन ये वर्ड आने के बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सप्लिसिटली सोशलिस्ट हो गया. अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद में 1955 में जो ऑफ दिस सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसने साफ साफ अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन में दैट इंडिया विल अडॉप्ट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी. इट मींस दैट इंडिया वाज अ सोशलिस्ट नेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी. द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इंडिया गेव स्पेस टू बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो द पब्लिक सेक्टर. बट सुप्रीम कोर्ट एंड आवर वेरियस लीडर्स दे हैव मेनी टाइम्स दे हैव सेड दैट इंडिया बेसिकली हैज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड इंडिया इज नॉट हैविंग कम्युनिस्टिक सोशलिज्म. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, द सोशलिज्म विच इज देयर इन चाइना एंड रशिया, जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया. बट इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, इंडिया ने अडॉप्ट किया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसका मतलब होता है दैट इंडिया विल लीड टू द पाथ ऑफ सोशलिज्म फ्रॉम द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी. सो नेहरू वॉज अ फेवियन सोशलिस्ट. द मीनिंग ऑफ फेवियन सोशलिस्ट इज दैट द पीपल हु बिलीव दैट सोशलिज्म विल कम फ्रॉम द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी. सो इंडिया हैज बेसिकली अडॉप्टेड दैट सोशलिज्म इन विच डेमोक्रेसी इज ऑल्सो देयर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इज ऑल्सो देयर. So it is also known as that India has a blend of Marxism and Gandhism, but India is heavily leaning towards Gandhism. So in you must be knowing that in 1990s India adopted a new economic policy and in which private sectors were given very significant sphere in the market. And so it is said that this LPG reforms basically diluted the socialist credential of India. But yahan par note karne layak baat ye hai ki abhi puri tarah se koi bhi world mein country jo hai socialist nahi hai. For example China hai jo apne aap ko socialist communist kehta, lekin China bhi puri tarah se market economy ki taraf ja chuka. In fact Russia mein bhi market economy puri tarah se enter kar chuki hai. Iske baad jo hamara word hai wo hai secular. So again secular word is nowadays it's a very controversial word. It was also added by 42nd Constitutional Amendment Act, and just like socialism India adopted secularism, this word secularism in 1976. But again it doesn't mean that India was not a secular country. Of course India was a secular country since 1947,
But introduction of this word secular simply means that whatever that was implicit now became explicit. For example, in Supreme Court in Nakara versus Union of India 1983 said that the word secular was added later, but there can be no doubt that constitutional father wanted a secular state, which is spelled in Article 25 to Article 28 of Fundamental Rights. आर्टिकल 25 टू 28 जो है वो हमें ये राइट्स देते हैं कि कोई भी आदमी इंडिया में किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है एंड इट शोज दैट इंडिया वॉज ऑलरेडी अ सेक्युलर कंट्री एंड वन मोर थिंग दैट हैज़ टू बी नोटिस्ड हियर दैट इंडिया अडॉप्टेड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज दैट इंडिया वेंट फॉर दैट मॉडल in which the state didn't discard completely itself from this religion, but state simply wanted to respect all the religion. That means equal respect to all religion based on the philosophy of Sarva Dharma Sambhava. Okay. Now let us go to the third word, that is democratic. So the meaning of democracy is very clear. Let me quote Lincoln, who said the democracy is nothing but it's rule of people by the people and for the people. So there are two types of democracy. One is direct democracy and another one is indirect democracy. Now what is the meaning of direct democracy? The meaning of direct democracy is that basically people rule directly. वो direct rule करते हैं, direct laws बनाते हैं. जैसे कि direct laws कैसे बनाए जा सकते हैं, referendum के through, initiative के through, recall के through और plebiscite के through. ये ऐसे tools हैं जिस tools के तहत लोग directly rule करते हैं. For example in Switzerland, अब ये words क्या है ये आप Google में देख सकते हैं, हम यहाँ पर इसको ज़्यादा explain नहीं करने वाले हैं. लेकिन इंडिया जैसी लार्ज कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है एंड दैट इज़ व्हाई इंडिया हैज़ बेसिकली अडॉप्टेड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज दैट पीपल बेसिकली डू नॉट मेक लॉ देमसेल्फ बट पीपल सेंड द रिप्रेजेंटेटिव टू पार्लियामेंट एंड सो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक ब्रिटेन. एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज US, विच हैज़ अडॉप्टेड बेसिकली प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. Now one more thing that has to be noticed here that India has adopted popular sovereignty. So the meaning of popular sovereignty is that rule should be by those people who basically enjoy popular sovereignty. For example, at present Narendra Modi is Prime Minister of our country and his Council of Ministers basically enjoys popular sovereignty and so they have been given the chance to rule the country by the people of India and indirectly by the constitution. So how we can say that India is a democracy? Of course India is a democracy because we have elements of democracy, like we have universal adult franchise, we have periodic elections, we have rule of law, we have independent judiciary, we have absence of discrimination or privilege. Yani ki India mein har koi equal hai aur isi equality ke karan hum kehte hain ki India jo hai wo ek democracy hai. Now one thing that has to be noticed here is that when we say democracy, then democracy, India has basically adopted all the three facets of democracy, that is political democracy, social democracy and economic democracy. अब इसका मतलब क्या है? Political democracy का मतलब तो ये है कि जितने भी हमारे citizens उन सबको बराबर political rights दिए गए हैं, जैसे कि fundamental rights सबके पास है. Social democracy का मतलब है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो सब कानून की नज़र में equal है. फॉर example, आर्टिकल 17 है फंडामेंटल राइट्स का, जिसने कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया है और यहाँ पर कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, हर कोई कानून की नज़र में जो है वो एक समान है. नाउ वी हैव इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इट मीन दैट इवन इफ एन इंडियन इज पुअर देन ऑल्सो ही हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल से प्रधानमंत्री आवास योजना. प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली जो पुअर हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट ने घर दिया है. दैट मीन्स दे आर ऑल्सो इन्जॉइंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. नाउ बी आर अम्बेडकर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कोट बी आर अम्बेडकर हियर, हु सेड दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट कम बिफोर सोशल डेमोक्रेसी. सो बी आर अम्बेडकर का मानना था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर हमारी कंट्री में आपको लेकर आनी है तो उससे पहले सोशल डेमोक्रेसी को लेकर के आना होगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको मालूम होगा पंचायती राज में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनको रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन है. लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई जगह शेड्यूल्ड ट्राइब के या शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो कि चुन करके आते हैं उनको वो राइट्स, वो पावर नहीं मिलते हैं जो एक्चुअल में उन्हें मिलने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी उनको राइट्स देने को तैयार नहीं है. सो बी आर अम्बेडकर का कहना था कि अगर डेमोक्रेसी आपको लेकर के आनी है तो आपको सोसाइटी में सबसे पहले डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना होगा. दैट मीन्स सोसाइटी विल फर्स्ट हैव टू अडॉप्ट एंड एक्सेप्ट द कैनन्स ऑफ डेमोक्रेसी.
Now the next word is republic. So let us be very clear what is the difference between republic and democracy, because ye dono word jo hai wo thoda sa similar dikhte hain. So basically republic ke teen interpretation hain. पहला है कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो हमेशा इलेक्टेड होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड ही विल नॉट बी बाय सक्सेशन. फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में मोनार्की है क्योंकि वहाँ का जो किंग है किंग का बेटा ही किंग बनता है. बट इंडिया में जो प्रेसिडेंट है दैट प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इन यूएस द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. सो बोथ यूएस एंड इंडिया इज अ रिपब्लिक बट ब्रिटेन इज अ मोनार्की. नाउ सेकेंड इंटरप्रिटेशन इज दैट द पॉलिटिकल सॉवरेंटी यानी कि जिसके हाथ में पावर होती है वो लोगों के हाथ में पावर होती है. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया द पावर इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग. फॉर एग्जाम्पल पहले इंडिया में किंग अशोका का रूल था अकबर का रूल था तो ये सबके सबके हाथ में पूरी की पूरी पावर होती थी. बट अभी इंडिया में ऐसा नहीं है. अभी इंडिया में कोई सुप्रीम है तो वो है पार्लियामेंट. थर्ड चीज़ क्या है कि जितने पब्लिक ऑफिसेस है दोज पब्लिक ऑफिसेस मस्ट बी ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई भी आदमी पीएम बन सकता है, कोई भी आदमी मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी आदमी एमपी आईएएस आईपीएस बन सकता है. एंड देर इज नो बार दैट पब्लिक ऑफिसर्स एंड द पीपल हु आर एज्यूमिंग पब्लिक ऑफिसर्स शुड बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी रिलीजन एंड एनी वन बाई ए ओपन मेरिटोक्रेटिक प्रोसेस कैन एज्यूम दिस पब्लिक ऑफिसर्स. सो इंडिया इज अ रिपब्लिक नेशन. नाउ जस्टिस की बात करते हैं. सो अगेन जो हमारा जस्टिस वर्ड है यहाँ पर वो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया. एंड जस्टिस की जब हम बात करें तो जस्टिस एक बहुत बड़ा सेंटेंस है. जस्टिस का मतलब होता है एक जस्ट सोसाइटी, एक फेयर सोसाइटी, जिस सोसाइटी में सिस्टम जो है पूरा जस्ट हो. जितने भी फिलोसफर्स है प्लेटो अरिस्टोटल सबके सब जस्टिस सिस्टम के पीछे लगे हुए थे. इन्होंने जस्टिस सिस्टम के बारे बहुत सारी बातें कही हैं. सो इंडिया बेसिकली अडॉप्टेड थ्री फॉर्म्स ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस दैट मीन्स दैट द सोसाइटी, द पीपल इन द सोसाइटी शुड गेट जस्टिस. फॉर एग्जाम्पल देर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एनी काइंड ऑफ एक्सप्लोटेशन. एंड सो टू टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टेकन इन फंडामेंटल राइट्स द आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 14 विच सेज दैट everyone is equal in front of law. Then article 15 which says that constitution will never discriminate the people, state will never discriminate the people. Then article 16 which says that state will not discriminate the people to provide public employment. Then article 17 which says that there is no concept of untouchability and untouchability has been completely banned in India. So by these fundamental rights basically the constitution has tried to provide Indian social justice. Then we have economic justice. It means that there will be no discrimination on the basis of economics. अगर आपको मालूम होगा तो 1947 से पहले जो ब्रिटिश के टाइम में उन लोगों को वोटिंग राइट्स है जिन लोगों के पास पैसे हुआ करते थे, जिनका इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा था. लेकिन अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है. चाहे वो अनिल अंबानी हो, चाहे वो रिक्शा पुलर हो, चाहे वो ऑडी ड्राइवर हो, हर किसी को बराबर राइट है वोट देने का. दैट मीन्स इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ट्राइड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक जस्टिस. देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस. द पॉलिटिकल जस्टिस दैट मीन्स एवरी वन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. फॉर एग्जाम्पल इंडियन पेनल कोड. सो इंडियन पेनल कोड अगर 302 लग रहा है तो वो सब पे लगेगा. डजेंट मैटर दैट पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर और दैट पर्सन इज अ कॉमन मैन. एवरी वन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड सो पॉलिटिकल जस्टिस इज देयर इन इंडिया. नाउ लेट अस टेक द अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज लिबर्टी. सो दिस वर्ड लिबर्टी and fraternity were basically taken by French Revolution, the famous French Revolution, which introduced the words like liberty, fraternity, brotherhood, harmony to the world. And so our Indian Constitution, Indian Preamble says that every Indian has liberty of thought, expression, belief, faith and worship. It means that all Indians are free to think, they are free to worship their God, they are free to believe. So basically, if you see, then we can say that this preamble basically speaks about the canons of secularism. So for example, in Article 19, it has been given that every Indian has right to express himself, freedom of speech. And Article 25 says that every Indian has the right to follow the religion of his choice. But one more thing that has to be noticed here, that liberty is not absolute in India, but liberty is qualified. What does it mean? It means that your liberty or freedom can be curtailed in certain cases in the form of a reasonable restriction. For example, अभी आपने देखा होगा कि
इंडिया में कई जगह सेक्शन 144 लगे हैं, कई जगह इंटरनेट को बैन किया गया है. सो बेसिकली गवर्नमेंट ने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया. सो लिबर्टी इज देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज अ क्वालिफाइड लिबर्टी. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इक्वालिटी. सो लेट मी कोट एरिस्टोटल. एरिस्टोटल सेज दैट फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी इज द मेन रीजन फॉर रिवॉल्यूशन इन एनी सोसाइटी. अगर किसी सोसाइटी में हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, अगर उनके साथ भेदभाव करेंगे तो वहाँ पर रिवॉल्यूशन आ सकता है एंड दैट स्टेट कैन कोलैप्स. एंड सो द स्टेट शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द थिंग एंड स्टेट शुड सी दैट द पीपल आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी. तो आपको मालूम होगा ब्रिटिश की लड़ाई के टाइम पे जब गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था तो गांधी जी ने क्या कहा है, दैट ब्रिटिश पीपल आर नॉट ट्रीटिंग इंडियंस एट पार विद द ब्रिटिश सिटीजन्स. एंड सो ये जो फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी है उसके कारण पूरा का पूरा हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ. एंड सो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इक्वालिटी वॉज गिवन इम्पॉर्टेंस, इट वॉज गिवन स्पेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल इज क्लियरली कैटेगोरिकली सेज दैट सिटीजन्स विल हैव इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. There won't be any special privilege to any section. यानी पहले बहुत special privilege दिए जाते थे, अपर कास्ट के लोगों को दिए जाते थे, जमींदार लोगों को दिए जाते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते उनको दिए जाते थे. बट अभी ऐसा कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है. एंड देर आर थ्री डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, दैट इज सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. एंड सो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इक्वालिटी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. आई एक्सप्लेन दिस आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18. आर्टिकल 18 क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18, स्टेट cannot give a special privilege like the rank of sir, the rank of kumar and all. State cannot provide these kind of things. And also in directive principles of a state policy, there is a provision that there will be equal pay for equal work for both men and women. That is, this provisions basically speaks about equality. Now next is fraternity. So fraternity is again very important. So fraternity, this word has link with other words also. So preamble says fraternity, dignity of individual, unity and integrity of India. तो मैंने आपको बताया कि जो integrity word है ये 42nd amendment act के time में डाला गया था. So preamble basically कहता है कि इंडिया में फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड है, और इसीलिए इंडिया में कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स हैं जिसके तहत जो है ब्रदरहुड और हारमोनी को जगह दी गई है. उसके बाद डिग्निटी इंडिविजुअल की बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है और आर्टिकल 21 कहता है एवरी इंडियन हैज़ अ राइट टू लीव अ डिग्निफाइड लाइफ. एंड अगेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज, इट सेज दैट इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गेस्ट पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज. यानी कि ये हर इंडियन की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो ब्रदरहुड को क्या करे, प्रोमोट करे. इसके अलावा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ये भी कहता है दैट इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. नाउ वन थिंग दैट हैज़ टू बी नोटिस्ड हियर इज दैट आर्टिकल 1, विच इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्टार्ट्स विद द लाइन दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. इट मीन दैट स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू लीव इंडिया. Okay, so this is very important because India, it is very important for the integrity of our nation. Now, one more thing you should notice here is that when our constitution speaks about integrity, then it speaks about both territorial and psychological integration. यानी कि मान लीजिए जो कश्मीर है हमारा, so कश्मीर को अगर हम integration की बात करें, so only territorial integration is not important कि कश्मीर की हमने ज़मीन ले ली, but psychological integration is also important. That means the people of Kashmir should also affiliate themselves with India, then only this integration will be complete. And to take care of this integration, we have several laws. For example, IPC, Indian Penal Code, में sedition के चार लगाए जा सकते हैं अगर कोई इंडिया के खिलाफ जाएगा या फिर उसके इंटीग्रेशन को तोड़ने की कोशिश करेगा. होप आई एम वेरी क्लियर. सो फॉर मोर वीडियोज यू कैन जस्ट subscribe to our Telegram channel and our this YouTube channel. Thank you very much. Have a good day.